हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज़ युगल विजय भैसारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ इनवॉल्यूट. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट वी लर्न प्रीवियसली. वी लर्न द बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग कर्व. वी लर्न हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. एंड वी ऑल्सो लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कर्व. In this lecture, we will learn how to draw involute on the given situation, and these are your PO. So, hello everyone. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इनवॉल्यूट स्ट्रिंग उनके सारे बेसिक्स हमने देखे हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनवॉल्यूट को ड्रॉ कर कैसे करते हैं ये सीखना है. ठीक है, सो देखिए हम लोग चले देखते हैं. Draw an involute of a circle having diameter 30 mm and string length equals to circumference of the circle. कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए समझते हैं कि draw an involute. क्या ड्रॉ करना है, involute किसका ड्रॉ करना है, सर्कल का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कभी कभी आपको पेंटागन या फिर हेक्सागन का भी involute बनाने के लिए बोलता है. ठीक है, सर्कल का डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 30 mm. चलिए ठीक है. एंड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. मतलब मैंने आपको बताया था कि इनवॉल्यूट को क्या बोलते हैं अपन, या तो अपन उसको बाउंडिंग बोलेंगे या फिर अनबाउंडिंग बोलेंगे. मतलब या तो अपन उसको एक सर्कल के ऊपर एक धागे को हम लोग ऊपर से ऐसा घुमाएंगे या फिर खोलेंगे उस धागे को. तो इससे जो हमें हाथ मिलेगा वो क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट. तो एक सर्कमफेरेंस का टूट जाएगा वो, सो उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल है बोलते उसकी लेंथ. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई इनटू डी होता है, या फिर 2πr भी होता है ना. सो पाई इनटू यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है, 30. सो चलिए कैल्सियम इसको कैलकुलेट कीजिए. तो कैल्सियम में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू कुछ मिलेगी 94.24, है ना. सो अप्रोक्सीमेटली आप इसको ले सकते हो 95, मतलब 95 mm, क्योंकि हम लोग ड्रॉइंग में 94.24 ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, सो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनवॉल्यूट बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग डिवाइडर हाथ में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइडर हाथ में लेंगे. ओके, हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है. कितना, 30 mm. सो सर्कल, अभी सर्कल बनाना है आपको. सबसे पहले आप इतना याद रखो, आपका जो डायग्राम है ये ऐसा ऊपर तक के जाने वाला है, तो आप अपने सर्कल को थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना. ओके, तो यहां से मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं जिसका डायमीटर कितना रहेगा, 30 mm. डायमीटर 30 mm है तो आपके डिवाइडर में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डायमीटर का आधा मतलब 15 mm, 1.5 सेंटीमीटर. मतलब ये जो डिस्टेंस का हमने बनाया ना ये कितना रहेगा, 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, याद रखा करो, डायमीटर दिया है तो आप रेडियस लेंगे. तो ऐसा अपने सर्कल को बना लिए. अब हम क्या करेंगे, ये हमने बना लिया तो इस सर्कल को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंटर से, इसके सेंटर से आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो मैंने सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया. अब मुझे इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो सिखाया है आपको, प्रोटेक्टर लीजिए, प्रोटेक्टर को बरोबर सेंटर पे मार्क कर लीजिए. 8 इक्वल पार्ट्स में करना है, मतलब कितने कितने का एंगल, 45 डिग्री का. तो यहाँ से मैं 45 लेता हूँ और यहाँ से भी मैं 45 एंगल ले लेता हूँ, है ना. और बीच से कितना, 90 डिग्री दे दूंगा. ये सारी चीजें आपको हर लेक्चर में सिखाया है. तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री से एक लाइन उन्हें एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से भी लाइन 45 डिग्री से इसको बना लेंगे, और यहां से 45 डिग्री से लाइन इसको बना. ओके, इतना क्लियर है. अब आप क्या करेंगे,
ये मैंने सर्कल बना लिया, उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जैसे मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, सिमिलरली आप भी उसको वैसे ही नंबरिंग करेंगे। यहाँ से मैं इसको देता हूँ 1.2.3.4.5.6.7.8, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है। इतना मेरा इनिशियल स्टेप था। अब मुझे क्या दिया था यहाँ पे, सर्कमफेरेंस के इक्वल क्या रहेंगे, मतलब ये जो मैं लेंथ जैसे इसको घुमा रहा था वो लेंथ रहेगी इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो सर्कमफेरेंस का मैंने वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था, 95 mm। 95 mm यानी कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अपने स्केल से, आपकी जो रोलर स्केल है, रोलर स्केल से टेंजेंट जाते हुए, मतलब ये जो बॉटम का पॉइंट है, ये बॉटम का पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट जाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है जिसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 9.5 सेंटीमीटर, मतलब 95 mm हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ओके, कुछ इस प्रकार से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। सो अभी आपको क्या करना है, आपने यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, उसी तरीके से आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक एक क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करें टेंजेंट, सो आप लोगों को मैंने परपेंडिकुलर बनाना सिखाया था। तो क्या करेंगे, इस वन वाले पॉइंट के ऊपर अपने कोई भी कैलिब्रेशन को मैच कर लेंगे, सर्कल के एंड पे जाएंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन रहेंगी आपको ऊपर टेंजेंट की लाइन रहेगी बेटा, और इसको बहुत ही लंबा लिख जाओ, ठीक है, लंबी लंबी लाइन। उसी प्रकार से उससे कोई भी कैलिब्रेशन मैच कर दो और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, फिर 3 से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, सिमिलरली 4, 5, 6, 7 और 8 से हमने बना के रखे, ठीक है। सो क्या किया मैंने, सिमिल बस टेंजेंट्स ड्रॉ किया, कैसे, ये जो वन वन लाइन थी मेरी इसके साथ कैलिब्रेशन को मैच कर दिया और यहाँ से टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, समझ में आया क्या। इतना इनिशियल स्केल आपको करना है। अभी भैया मैंने इसके टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिए, अब क्या करना है, देखो मैंने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 इक्वल पार्ट्स में। वैसे ही ये जो लाइन थी, ये लाइन, इस लाइन को भी आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलो करते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, सो 95 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8 1 5 8 1 8 1 8 1 8 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
दिखा दे सकता हूँ, 1.1 मतलब 11 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको कितना ले सकता हूँ सेंटीमीटर में, 1.1 या फिर 1.2 ले सकते हो आप लोग, आपके हिसाब से है, ठीक है। सो 1.2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे काट करना है, अपने डिवाइडर में आप लोग 1.2 सेंटीमीटर ले लीजिए, उसको रखिए यहाँ पर, ठीक है, और ऐसा मार्क करते हुए चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छी है, मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेट ड्राइंग है, आपकी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छे से बनेगी, हर बार बताता हूँ आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, किसी किसी का आठवां पॉइंट पास में आ सकता है, किसी का दूर में जा सकता है, तो आप लोग जो आपका एंड पॉइंट होगा उसी को आप एट कंसीडर करो, ठीक है, वो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो वो पॉइंट इधर या उधर चले जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पर एट वर्ड्स हमने बात कर लिया, कितना ध्यान में आएगा आपको? अब आपको क्या करना है, चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं डैश देता हूँ, डैश। सो आपको क्या करना है, अभी यहां से, यहां से 1 पॉइंट से लेकर सो 8 पॉइंट तक, 1 पॉइंट से लेकर तो 8 पॉइंट तक यहां से डिस्टेंस लेना है, ठीक है? उसको डिस्टेंस को वैसे उठाना है, और यहां पर देखिए 1 का पॉइंट है, वहां पर आपको इसे मार्क करना है, ठीक है? 1 डैश का डिस्टेंस उठाया, इसलिए 1 के पॉइंट पे मार्क किया, फिर 2 डैश की डिस्टेंस में उठाऊंगा, सॉरी 2 डैश की डिस्टेंस पर रखूंगा, 8 तक का डिस्टेंस उठा वैसे उठाऊंगा, और 2 के पॉइंट पर रखूंगा, और यहां पर एक मार्क करूंगा, वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 3 डैश के पॉइंट पर लिया, 8 डैश का डिस्टेंस लिया, और यहां पर मार्क किया, 4 डैश से लेकर तो 8 डैश, 4 के पॉइंट पर रखा हूं, और यहां मार्क करते जा रहा हूं, 5 डैश, 8 डैश, 6 डैश, 8 डैश, 6 पे रखे हैं यहाँ पे आर्क ज्वाइन किया, एंड लास्ट में 7 डैश, 8 डैश, तो 7 डैश, 8 डैश यहाँ पे मैंने मार्क किया। तो देखो आपको रिगरसली कुछ पॉइंट्स मिले यहाँ पर, है ना? ये P1 पे मिला था आपको, तो यहाँ पे मैं P1 दे देता हूँ, इसको पॉइंट को P2 नाम दे देता हूँ, P3, P4, P5, P6, P7, और ये लास्ट में एक पॉइंट बचा बचा देखो P8 नाम दे दो। चलो समझ में आएगा, मैंने क्या किया था, 1 डैश से लेकर तो 8 डैश का डिस्टेंस किया, 1 पे रखे R, सिमिलरली 2 डैश, 8 डैश, ऐसे मैंने आर्क्स बना लिए, सॉरी पॉइंट्स बना लिए। अब मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल गए, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, बाय द यूज ऑफ मेन स्कर या फिर आप हाथ से भी ड्रॉ कर लो चलेगा, आपको क्या करना है इसको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, 3-3 पॉइंट्स लेते हुए आप उसको ज्वाइन कीजिए कुछ इस प्रकार से, तीन पॉइंट से आपको यहाँ पर परफेक्ट इन्वॉल्यूमेंट मिलेगा। मतलब देखिए सर्कल के ऊपर ये जो धागा था ये आपने इसको ऐसे अनवॉन्ड किया, ओके? फिर से रिपीट करता हूँ एक सिंपल लास्ट स्टेप में प्रोसीजर, कैसे किया? सबसे पहले सर्कल बनाया, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ से एक छोटी सी लाइन बनाई, कितनी सेंटीमीटर की लाइन थी, इक्वल्स टू सर्कम्फेरेंस के वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे लाइन बनाई, इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या किया, यहाँ से जो भी पॉइंट थे सबको टेंजेंट बना लिया, टेंजेंट बनाने के बाद क्या किया, 1 डैश से लेकर 8 डैश इसका डिस्टेंस लिया, 1 डैश टू 8 डैश का डिस्टेंस लिया, 1 पे रख के आर बनाया, फिर 2 डैश टू 8 डैश का डिस्टेंस लिया, आर बनाया, वैसे सिमिलरली 3 डैश 8 डैश ऐसे बढ़ते जाएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पे 8 पॉइंट मिलेगा, और आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इनवॉल्यूम, ठीक है? आई होप आप सबको समझ में आऊंगा, थैंक यू। तो अभी आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इन्वोल्यूट को ड्रॉ किया जाता है, अगर आप इन्वोल्यूट बनाते समय थोड़ा सा भी चूक जाते हो तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो इन्वोल्यूट बनाने में, और फाइनली आपका इन्वोल्यूट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत जाती है तो आप इन स्टेप्स को अच्छे से रीड कीजिए और स्टेप बाय स्टेप बना के देखिए। सो द यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, we learn how to draw involute on the basis of given situation. Summary of today's lecture is to draw involute.
and these are your program outcomes. That's all from today's lecture. Thank you. Keep learning. Happy learning.